हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रथम दास और आप लोग देख रहे हैं राम लेट न्यूज़। तो आज एक नया वीडियो हाजिर हूँ, जो कि मेरे पास एक एम आई का एलईडी टीवी है, जो कि इसमें ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। तो दोस्तों, इसमें किस प्रकार से हम रिपेयरिंग करेंगे, चलिए देखते हैं इसमें ब्लैक स्क्रीन कहाँ पर प्रॉब्लम है, बैक लाइट खराब है या इसका ड्राइवर खराब है या दूसरा कुछ इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका फॉल्ट मेन। ये हमारा है, तो इसमें जो फॉल्ट है मैं आपको आप लोगों के साथ में दिखाऊंगा ये कहाँ पर फॉल्ट है। तो चलिए देखते। और दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों, इसका जो मॉडल नंबर है 50M5 115 वाट का है ये। मेन मदरबोर्ड और पावर सप्लाई एक ही साथ में आता है, ये कॉम्बो है एंड्रॉइड। इसका टेकन पीसीबी, इसका पीसीबी राइट साइड लेफ्ट साइड। मेन इसका पावर सप्लाई सेक्शन यहाँ पर है, ये प्रोसेसर सेक्शन, आईसी अगर लगा हुआ है, रैम अगर, बैकलाइट सेक्शन हमारा इधर है। तो हमारा सेट जो है मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा कंडीशन में है। पावर देते ही यहाँ पर लाइट आ चुके हैं, स्विचिंग कर देता हूँ इसको। स्विचिंग हो रहा है, तो इसमें बैकलाइट अगर जो नहीं जल रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल नहीं जल रहा है। सामने से दिखा दे तो आपको स्क्रीन अगर आया कि नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ब्लैक स्क्रीन। तो इसका ड्राइवर सेक्शन खराब है या बैकलाइट खराब है, हम इसमें फाइंड आउट करेंगे अभी। तो सबसे पहले मीटर को, मल्टीमीटर को डीसी में सेट करना है और इसका जो बैकलाइट का सॉकेट है इसमें पॉजिटिव निगेटिव लगाना है, जो एलईडी ड्राइवर लिखा हुआ है। वोल्ट यहाँ पर एक्यूरेट है, मिल रहा है, मतलब इसका जो सप्लाई है वो बराबर दिखा रहा है। और इस पर हमारा जो बैक लाइट है वो ख़राब है। तो दोस्तों, इसको रिपेयरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कंफर्म कर लेना है बैकलाइट सही है या नहीं है। ड्राइवर उसका बैकलाइट की जो एलईडी ड्राइवर है उसको प्रॉपर चेक कर लेना है सही है कि नहीं, नहीं तो आप इसका जो सॉकेट है इसको निकल के एलईडी टेस्टर की मदद से आप इसको चेकिंग कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर अभी हमारा जो बैकलाइट ख़राब है तो हमें पूरा कंप्लीट डिस्प्ले इसका बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह साइड में स्क्रूप दिया गया है नट वगैरह कंप्लीट चार ओर से, उसके बाद आपको ये बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद आपको एलईडी को रिपेयर कर सको। एलईडी को रिपेयर नहीं करना है, आपको कंप्लीट चेंज करना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टीवी है, आप रिपेयरिंग करते हो तो ये कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाएगा। तो
तो इसीलिए आप कंप्लीट एलईडी जो है उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको कंप्लीट चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, हम इसमें कंप्लीट चेंज करेंगे, इसका जो बैकलाइट जितने भी हैं टोटल को चेंज कर देंगे, चाहे हम इसमें कुछ बैकलाइट ऐड भी कर देंगे एक्स्ट्रा, ताकि हमारा जो बैकलाइट है वो जल्दी ख़राब ना हो। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने जो हमारा 15 इंच का एलईडी था आपका एमआईट का, तो इसमें हमने बैकलाइट की जो स्ट्रिप्स है उसको हमने आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो इस वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट किस तरह से हमने किए थे उसका कंप्लीट दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ क्या क्या हमने इसको चेंजेस किया हो और किस तरह से आप इसको लो प्राइस में रिपेयरिंग कर सकते हो, और आपका अगर महंगा भी रिपेयरिंग करना चाहते हो तो भी आपको उसमें कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे और डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उसका जो बैकलाइट है, इसका जो बैकलाइट है तो ये है। तो हमने यहाँ पर आपका कम रेट में इसको बना रहा हूँ, और इसको कम रेट में किस तरह से आप बना सकते हैं दिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो अपने एलईडी देख सकते हैं, इसका एलईडी था ये वाला, पहले एलईडी हमारा ये था, जो कि इस पर एलईडी का देख सकते हैं लुक्स कुछ अलग है, थोड़ा सा ऊंचा है और ये थोड़ा सा अंदर में गया हुआ है देख सकते हैं। तो ये साइड का जो एलईडी है ये आपका ऊपर की तरफ रोशनी नहीं देगा इतना ज़्यादा, आपका साइड में रोशनी ज़्यादातर फेंकेगा, और जो रोशनी फेंकेगा ये थोड़ा सा धुलना के हिसाब से रोशनी फेंकेगा, क्योंकि एक ही साइड में रोशनी नहीं फेंकेगा ये। और ये हमने जो यहाँ पर यूज़ किया हूँ ये आपका नॉर्मल एलईडी है, जो कि ये ऊपर की तरफ खींचता है रोशनी को थोड़ा बहुत। आप अगर इसमें जो नीचे में प्लेट बिठाएंगे, नीचे की ओर अगर प्लेट इसका बिठाते हैं तो आपको क्या करेगा, स्क्रीन में जो है आपको व्हाइट दिखने लगेगा। तो इसको आप ये एलईडी की जगह में आप लगा सकते हो, एलजी का ये वाला एलईडी आप यूज़ कर सकते हो, और इसका जो रिजल्ट है ये बहुत बेहतरीन होगा, आपका जो रोशनी होगा ये चारों ओर फेंकेगा, मतलब बीच में नहीं फेंकेगा इस तरह से। तो ये एलईडी नहीं लगाया हुआ हमने, आज हम ये एलईडी लगा के इसको चेक करेंगे कि इसका जो रोशनी है वो ऊपर की तरफ आ रहा है या सेंटर में मतलब घुमा हुआ है रोशनी, हम इसमें देखेंगे और ये फिटिंग करके भी हम देखेंगे। तो इसका जो इसमें कितना एलईडी है मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलईडी है। तो ये 9 एलईडी है और ये 3 वाट का एलईडी है, मतलब एक एलईडी आपका 3 वोल्ट से ये जलता है एक एलईडी। ठीक है, और हमने यहाँ पर जो लगाया हूँ ये भी एक एलईडी 3 वोल्ट से ही जलता है, लेकिन हमने यहाँ पर एलईडी को ज़्यादा कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमने यहाँ पर एक स्टेप पे 14 एलईडी को लगाया हूँ, 14 एलईडी और जो हमारा इसमें होगा, और ये इसका जो वाट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। इसका वाट है आपका टोटल 4 पैनल लेके आपका हो गया 96 वोल्ट से ये रन करता था, और अब मैं जो इसको लगा दिया हूँ तो ये 148 वोल्ट से ये कंप्लीट रन करेगा। और जो हमारा इसका जो बैकलाइट का जो ड्राइवर है ये हमारा जो एलईडी है ख़राब नहीं करेगा, और ये बेहतरीन तरीके से इसको रन कराएगा, और आपका
देखते हैं किस तरह से ये चलता है। ठीक है अगर सो आप देखते रहिए मेरी वीडियो। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट करके रखा, तो इसको किस तरह से किया, तो यहाँ पर बीच में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने 14 इंच का एलईडी को यूज़ किया था जो कि आपका छोटा हो गया है इसको, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया हूँ देख सकते हैं, और इसको सीरीज कनेक्शन हमने कर दिया हूँ। तो तीनों इस टिप्स में हमने ये इस तरह से जोड़ के इसको लंबा कर दिया हूँ। और जो ये एलईडी एक स्टेप पे अभी आपका 37 वोल्ट चाहिए जलने के लिए, जो कि पहले में आपका 24 वोल्ट चाहिए था, अभी इसमें 37 वोल्ट चाहिए जलने के लिए एक लाइन पे। 37 37 37 37 टोटल हो गया हमारा 148 वोल्ट। अगर 148 वोल्ट इसमें दिया जाता है तो अब आपका एलईडी जो है रन करेगा, मतलब 50 वोल्ट तक ये एलईडी जो है काफ़ी ज़्यादा रन करेगा। तो इसको जो आप कम करा सकते हो सप्लाई, आपको दो एलईडी सीरीज करना है और दो एलईडी सीरीज करना है तो आपको ये 100 वोल्ट तक काफ़ी बढ़िया से चलेगा, मतलब 98 वोल्ट तक ये काफ़ी बढ़िया से चलेगा। तो हमने इसको ज़्यादा कर दिया क्योंकि हमने अगर सप्लाई, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल बैकलाइट ड्राइवर है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वाट होता है, और उसमें थोड़ा बहुत अगर कमज़ोर कर देते हैं हम तो क्या होता है, बैकलाइट ख़राब हो जाता है। तो अभी क्या करेगा, ये बैकलाइट हमारा ख़राब नहीं करेगा। हेलो दोस्तों, तो ये हमारा जो हमने 148 वोल्ट में इसमार इसका सीरीज किया थे, मतलब किया था, तो इस पर क्या हुआ, जो इसका बैकलाइट के ड्राइवर है वो लोड नहीं दे पा रहा था, तो बैकलाइट के जो ड्राइवर है ये टोटल आपका 90 वोल्ट तक ही इसमें कवर कर रहा है जो इसका ओरिजिनल बैकलाइट है। तो उसके लिए मुझे 148 वोल्ट की जो सीरीज किया था हमने, तो इसको हमने ये डिसकनेक्ट करके इसमें अभी दो दो स्टिप्स को हमने सीरीज में कर दिया हूँ। दो दो स्टिप के सीरीज में करने के बाद ये हमारा जो टोटल 90 वोल्ट पे ये रन कर रहा है। हमने 48 की जो सीरीज था उसको डिसकनेक्ट कर दिया क्योंकि इसका जो ओरिजिनल सप्लाई है वो 90 वोल्ट तक ही ये कवर कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको 100 को डिसकनेक्ट करके इसको दो दो को सीरीज में कन्वर्ट कर दिया हूँ। और ये कितने वोल्ट पे रन कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पर यह चल रहा है देख सकते हैं, 89 वोल्ट हमारा यहाँ पर दे रहा है। तो दोस्तों अभी जो इसका प्रोसेस है, क्या करना है, इसका ऊपर जब हम इसका पेपर लगाएंगे वो देखना है मुझे कि व्हाइट दिखता है या नहीं दिखता है। अगर व्हाइट दिखता है तो हमें इसमें डिस्प्ले लगाने के लिए दिक्कत आ जाएगी, और ये जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से दिखेगा नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रखा हुआ डिस्प्ले और इसका ऊपर का प्लास्टिक कवर, तो हमने इसको भी लगाता हूँ। हेलो दोस्तों, तो इसमें देख सकते हैं इसका जो रोशनी है कुछ इस प्रकार से आ रहा है, मतलब इसमें जो लाइनें हैं वो दिख रहा है पूरा, तो ये को दूर से दिखाई नहीं दे रहा है देख सकते हैं। यहाँ से जब मैं इसमें पास में लाता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, तो देख सकते हैं जब हम इसमें सामने से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इस प्रकार से दिख सकता है स्क्रीन में। तो आपको क्या करना है, ये जो एलईडी है ये एलईडी आपको यूज़ नहीं करना है इस पर। जब आप ये एलईडी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका जो गैपिंग है ये गैपिंग कम है, अगर गैपिंग ज़्यादा होता तो ये लेवल पे ले लेता। जब हम इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो अब देख सकते हैं ये जो लाइनें हैं ये जा रहा है धीरे धीरे, देख सकते ये इतना तक काम कर रहा है, इतना से ऊपर तक ये बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर जब हम छोड़ देते हैं तो ये इस प्रकार से लाइनिंग ब्लैक इससे दिख रहा है। ब्लैक इससे क्यों दिख रहा है, आप इसमें भी बना सकते हो सही तरीके से, ब्लैक इससे आपको नहीं दिखेगा,
ये जो एलईडी है या पर और भी जोड़ना पड़ेगा तो आपको रोशनी ज़्यादा दिखेगा, लेकिन आपका ये जो बीच में आ रहा है डिब्बा डिब्बा तो ये आपका नहीं जाएगा, क्योंकि ये जाएगा आपका ये एलईडी से जब लगाएंगे आप, जब ये एलईडी लगाएंगे तब ही आपका ये जो इस तरह से लाइनिंग दिख रहा है ये चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, कम रेट में नहीं लाना है, ये आपका एलजी का पैनल का एलईडी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपका वो वाला नहीं मिले तो। इसका जो रोशनी है ये चारों ओर बिखर के फेंकता है, यहाँ से इतना तक ये फेंकता है, तो ये रोशनी इतना तक फेंकेगा तो ये कवरेज कर लेगा, लेकिन ये जो रोशनी है ये आपका ऊपर के थोड़ा ऊपर उठा के इस तरह से फेंकता है, लेकिन ऊपर इतना ज़्यादा गैप नहीं है इसीलिए आपका ये धिब्बा आ रहा है। तो आपको इसी में ही हम स्क्रीन लगा के भी दिखाएंगे, इसमें ही स्क्रीन लगा के दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्प्ले जो है इसका अटैच कर दिया हूँ यहाँ पर अभी फिलहाल, लेकिन हमारा जो डिस्प्ले पे है थोड़ा सा गैप है जो ऊपर की ये बिटता है, तो इसमें थोड़ा सा गैप मिल जाएगा जो इसका रोशनी है थोड़ा सा फेंकेगा, तो इसलिए हमने इसको उसी एलईडी से इसमें लगा दिया हूँ। और यहाँ पर जो है देख रहे हैं ये सब है, इसमें सब आईसी लगा हुआ है, कॉफ आईसी जो कि गेट डिवाइडर यहाँ पर है दोनों तरफ है 4K डिस्प्ले, और ये साइड में भी है, अगले सिर्फ ऊपर की साइड में नहीं है इसका, दोनों साइड में और नीचे की तरफ आईसी लगा हुआ है। तो इसको जब उतरते हैं आप तो इसको ध्यान से उतरे, और इस पर कि चिप इसको जब हटाते हैं तो इसको ज़ोर से मत खींचे, धीरे धीरे खींच के ले तो ये जो आईसी फटेगा नहीं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो डिस्प्ले है इसको अटैच कर दिया हूँ फिलहाल देख सकते हैं, तो हमने इसको कंप्लीट अभी लगाया नहीं, फिटिंग नहीं किया हूँ, तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाना चाहता हूँ जो जो हमारा जो थब्बा आ रहा था बीच में, तो स्क्रीन में आप लोग देखिए कई बार इसका जो थब्बा है वो नहीं नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर जो इसका लाइनिंग है वो अभी बेहतरीन से, क्योंकि इसका जो है ना थोड़ा सा गैप हुआ है जो डिस्प्ले जो बैठा हुआ है इसका, तो ये जो कवर है ऊपर का ये कवर में थोड़ा सा गैप है, उस गैप में थोड़ा सा डिस्टेंस इसने लिया हुआ है डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले के क्या होता है डिस्प्ले के थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, तो देख सकते हैं ये वाइट स्क्रीन है तब भी थब्बा थब्बा नज़र नहीं आ रहा है, जो कि जब ये गिर जाता है एलईडी से तब आपका थब्बा थब्बा नज़र दिखाई देता है, तो इस पर दिखाई नहीं देता है। तो अभी जो हमने यहाँ पर एलईडी यूज़ किया हूँ तो उसी एलईडी को आप कम रेट में लगा सकते हो, तो मैंने आपको इसीलिए दिखाया हूँ क्योंकि जो इसका स्क्रीन है देख सकते हैं स्क्रीन में भी कोई डिफरेंस नहीं आया हुआ है, बिल्कुल ही बेहतरीन स्क्रीन आया हुआ है इस पर, और जो ये लाइट जल रही है ऊपर का ट्यूबलाइट चल रहा है हमारा, तो देख सकते हैं बिल्कुल ही बढ़िया से ये हो चुका है। तो दोस्तों कम रेट में आपका यही प्रोसेस है बनाने का टीवी, और एक प्रोसेस होता है जो वो प्रोसेस आप करेंगे तो थोड़ा सा और भी कम रेट में होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है बाद में आपका ख़राब होने का चांसेस रहता है, जो कि आपका एलईडी जो है दो तीन एलईडी आपका ख़राब हो जाता है इस प्रकार से, दो तीन एलईडी ख़राब हो जाता है तो आप दूसरे पैनल से खोल के या दूसरा एलईडी को इसके काट के आप यहाँ पर चिपका सकते हो, तो इसमें क्या हो जाता है क्योंकि वो पुराना एलईडी ही रहता है, बाकी सारा आप जो एलईडी डालते हो तो वो एलईडी नया होता है, तो उसका वार्ड आपका उसका जो ख़राब होने का प्रोसेस है वो आपको क्या करेगा उसमें थोड़ा सा लूट ज़्यादा लेगा, और बाकी जो पुराना वाला एलईडी है उसमें लूट कम लेगा, और आपका वो पुराना वाला एलईडी ख़राब हो जाएगा, नया वाला एलईडी ख़राब नहीं होगा कुछ ही दिनों बाद, तो उस प्रोसेस को आप कम रेट में कर सकते हो, लेकिन मैंने जो प्रोसेस किया ये कम रेट में भी हो जाता है और आपका बेहतरीन जो इसके स्क्रीन है वो भी देखने को मिलता है। तो ये आपका सामने है स्क्रीन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए, तो इसी तरह से आपको कोई भी बताएगा नहीं कौन सा रेट कम है कौन सा क्या है, आप किस तरह से इसको रिपेयरिंग कर सकते हो, कंप्लीट वीडियो मैंने इसको इस पे इस एम आई पे बनाया हूँ, इसी प्रकार से आप कम रेट में बना सकते हो। आप अगर एलईडी दूसरा यूज़ करना चाहते हो डमी वाला तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको दिखा दिया एलईडी।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। तो